कोई इधर टन टन का गाना गा रहा है, कोई इधर सफर का है? दो तीन दिन बस, चार दिन हो बीच में हो जाएगा, बीच में ना भाई भी बेटा तो टी शर्ट एक ही पहन रखी है इसने आज। सिवान का तो कुर्ता और पजामा और जूती बहुत खतरनाक है। सफेद है या कुर्ता पजामा? जूती लानी भी पड़ेगी। कितने दिनों से जिद कर रहा था ये जूती 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 जूती। तो जी वेलकम करती हूँ आप सबका, जय राम जी की, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। और एक नया वीडियो स्टार्ट हुआ है वहीं से जहाँ से लास्ट व्लॉग्स ख़त्म हुआ था। आप सबको पता ही है कि आजकल मेरे तीन व्लॉग आ रहे हैं, दो दूसरे चैनल पे, एक ही चैनल पे, तो पूरे दिन मेरे व्लॉगिंग बंद नहीं होती है। मेहनत जो है वो मैंने एक्स्ट्रा कर दी है, मतलब कि तीन व्लॉग एडिट करना भी बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में, टाइम नहीं लगता, लेकिन फिर भी टाइम निकाल करके तीन व्लॉग एडिट करना और उनको अपलोड करना, उनके टाइटल टैग थंबनेल सारी चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। लोगों से एक व्लॉग नहीं बन पाता, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं तीन व्लॉग रोज़ बनाऊंगी और ये मेहनत जो है ना एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। और आप लोगों का बहुत ज़्यादा साथ भी मिल रहा है मुझे, मेरा जो दूसरा चैनल है ना वहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतनी जल्दी वो चैनल जो है ना उसको मैं यहाँ तक ले आऊँगी, मतलब इतना आगे वो चैनल आ जाएगा। तो जिनको नहीं पता है उनको बता देती हूँ, मिस्टर एंड मिसेज भारद्वाज व्लॉग्स नाम से मेरा एक दूसरा चैनल भी है, तो वहाँ पर भी मैं रेगुलर व्लॉग्स डाल रही हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो यहाँ पर मार्केट से आ गए थे, मार्केट गए थे, घर का बहुत सारा सामान ख़त्म हो रखा था, लेकिन सारा सामान बाकी जो था उसको तो मैं अभी नहीं लेकर आई, सब्जियाँ लेकर आई हूँ क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे, और जो छोटा मोटा जो घर का सामान है ना वो लेकर आई हूँ जो कि अर्जेंट चाहिए था, तो सारा सामान ले आई हूँ, उसको अरेंज करना है। लेकिन सबसे पहले मैंने सोचा बर्तन अरेंज कर दें क्योंकि शाम को धोए थे ना, तो ये यहाँ रखे थे, अब इनको जब तक नहीं हटाऊँगी भीड़ नहीं हटेगी। और ये मेरे छोटी सी जो किचन है इस किचन को थोड़ी सी अरेंज कर दूँगी ना तो अब मेरे को रात को खाना बनाना है उसमें मुझे ही सहूलियत रहेगी। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सब कुछ हटाया है, दाल चढ़ा देती हूँ पहले, चावल रख देती हूँ, फिर उसके बाद में बाकी जो सामान है ना उसको अरेंज करना पड़ेगा जो कि मार्केट से लेकर आई थी। और जब तक मेरा बाकी सामान इधर उधर अरेंज होगा, जब तक मेरी सब्जी जो है ना, दाल जो है ना वो बॉयल हो जाएगी, फिर मैं उसमें तड़का लगाना बचेगा तो तड़का लगा लूँगी। तो जी इस किचन में बस कुछ दिन और हैं, मतलब थोड़े से दिन की बात और है, और थोड़े दिन के बाद में ये वाली जो है ना इसको मैं छोड़ दूंगी। और मेरी ज़िंदगी में पता है पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरी खुद की किचन इतनी बढ़िया हुई है, मतलब कि जब शादी नहीं हुई थी उससे पहले मायके में थे तो वहाँ बीकानेर की रसोई आपने देखी होगी किस तरीके की है, और जब मैं थी जब तो उसमें सिंक भी नहीं था, मतलब मेरी शादी के बाद में उसमें सिंक लगा है, मैंने हमेशा बाहर ही बर्तन धोए थे वहाँ पर भी, वहाँ हम दोनों बहनें जो है ना मेरी मम्मी को काम नहीं करने देते थे, मतलब जिसके यहाँ पर कल एक कॉमेंट भी आया था कि एकम का कमेंट था, एकम ही थी शायद, नहीं कुछ रुको एक मिनट मैं देख कर बताती हूँ, हाँ जी मैंने नाम देख लिया है, एकम नहीं वो सच के साथ इस नाम से उनका अकाउंट है, और वो बहुत सारे कमेंट्स करती हैं, तो उन्होंने कहा था कि बेटी की माँ रानी होती है और कहते हैं कि बुढ़ापे में पानी भरती है, मतलब बेटियों की माँ रानी और बुढ़ापे में भरे पानी, हमारे हरियाणा में ऐसे बोलते हैं कि बाद में उसको बुढ़ापे में काम करना पड़ता है। तो मैं क्या कह रही थी इसमें कि मेरी मम्मी जो है ना उस मम्मी से हमने दोनों बहनों ने कभी काम नहीं करवाया, छोटे छोटे थे जब किया होगा, लेकिन समझदार होने के बाद में हम वो है ना कि आज से 15-20 साल पहले लड़कियों को 8-9 साल 10 साल की लड़कियों को काम सिखा दिया जाता था,
हम लोग तो काफ़ी लेट सिखाते हैं, तो उस टाइम पर हम दोनों बहनें कर लिया करते थे। तो मेरी मम्मी का हमने बहुत ज़्यादा साथ दिया है उस टाइम पे भी, और मम्मी के संस्कार थे, हमने क्या साथ दिया, मम्मी ने ही सिखाया तो ही हम कर पाए। माँ माँ का साथ देना बहुत अच्छी बात होती है। मम्मी को अब याद आती है तो मम्मी बोलती भी है हर छोटी सी चीज़ में, मम्मी को हम याद आते हैं। वैसे भाभी है, लेकिन बस ये है कि भाभी वर्किंग है तो उतना नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी भाभी बहुत हेल्प करती हैं। भगवान ऐसे ही उन दोनों का साथ और प्यार बनाए रखे। तो यहाँ पर सुबह का टाइम था, सारा काम फिनिश हो चुका है, मैंने सोचा मैं आप लोगों से थोड़ी सी देर बात करूँ। तो यहाँ मिस्त्री भैया जो हैं वो आज नहीं आए हैं, नेक्स्ट डे मतलब जिस दिन आपके पास ये व्लॉग आएगा उस दिन मॉर्निंग का टाइम था ये, और ये यहाँ पर ईंटें लगा रहे हैं, ईंट बाहर जो पड़ी है ना वो लेकर आ रहे हैं। तो जब ये ईंट लगा रहे थे तो मैंने सोचा चलो व्लॉग शुरू कर लेते हैं, आगे मतलब कंटिन्यू करते हैं, शुरू तो कल नाइट में ही कर लिया था। तो मैंने एक बार थोड़ा सा जो अपडेट था घर का भी आप लोगों को दे दिया है कि मिस्त्री नहीं आए हैं और आगे का काम जो है वो थोड़ा सा और पोस्टपोन हो गया है। आप लोगों ने आज एक वीडियो में बताया भी है मेरे को कि इतने दिन का काम बचा है, लेकिन क्या कर सकते हैं अब आगे तो बढ़ेगा जब मिस्त्री नहीं आएंगे तो। और हमारा काम बहुत जल्दी हो जाता, इतना बड़ा काम नहीं था, लेकिन मिस्त्री जो है ना उन्होंने बीच बीच में बहुत सारी छुट्टियां लगाई हैं, और दूसरे करना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मिस्त्री मिलते नहीं हैं, कहाँ मिलते हैं, अच्छे काम करने वाले तो बिल्कुल नहीं मिलते हैं। तो इनके काम में सफाई थी, बस ये कि छुट्टियाँ ज़्यादा की हैं, वो भी इन भैया ने, टाइल वाले ने तो पहली बार की है, जो दूसरे जो भैया थे उन्होंने बहुत सारी छुट्टियाँ की थी जिन्होंने बनाया था। तो देखते हैं आप कितना टाइम और लगता है। और इतने धनाढ्य है नहीं कि पूरा ही मजदूरों पे छोड़ दे, महीने दो महीने जितना दिन लगाएंगे उतने दिन लगा दें, तो इतने धनवान नहीं है। सोचते हैं कि कुछ हेल्प खुद करेंगे कुछ वो करेंगे तो साथ साथ काम हो जाएगा अपना। तीन तीन छः एक सात सात ईंट साथ लेके चल रहे हैं सब, सात सात ईंट। रोटी खा लो पहले, आ जाओ, दो रोटी खा लेंगे ना तो फिर खाली पेट नहीं रहेगा, फिर काम हो जाएगा है ना। और ये ईंट आज ही लग जाएंगी। और मिस्त्री साहब और मजदूर साहब क्यों नहीं आए वो बताऊँ आपको, क्योंकि आज सुबह सुबह थोड़ी सी बूंदाबांदी हो गई, और बूंदाबांदी होगी ना तो मिस्त्रियों ने छुट्टी कर ली, फिर वो सारी बारिश जो है ना दिख तो रही थी सुबह ऐसी, और मौसम भी अभी ऐसा ही हो रखा है। सुबह तो बहुत ज़्यादा क्लाउड्स लगे थे, दो तीन बार बूंद गिर चुकी है, अब पता नहीं है जोर से आएगा कि ऐसे ही आएगा। तराई भी करनी पड़ी और बारिश भी नहीं आई, बारिश ने मौसम भी कर दिया मतलब ख़राब भी कर दिया, और तराई भी करवा दी, ढंग से आ जाए तो तराई ना करनी पड़े। अभी सारे पे पानी डालना पड़ा बाल्टी से भर भर के इसमें से, क्योंकि पानी तो आया ही नहीं, पानी आता तो मेरी मशीन ही लग जाती। क्या कर सकते हैं भाई, सारी चीज़ों का अपने अकॉर्डिंग नहीं होता, चीज़ें अपने हिसाब से चलती हैं, हमारे हिसाब से कुछ हद तक हम उन्हें चेंज कर सकते हैं, जहाँ तक हमारा खुद का बस चलता है। हम सिर्फ वो है ना कर्म कर सकते हैं, फल तो ऊपर वाला जो चाहेगा वो देगा, ठीक है। और आज मैंने बच्चों को भी हाफ स्लीव पहना दी, मेरे माइंड में बार 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 एक ही बात आ रही है, क्योंकि वो रोज़ करते हैं, मम्मी गर्मी लगती है फुल स्लीव में, स्कूल में गर्मी लगती है, फिर मैंने सोचा जैसे जहाँ भीड़ होती है लोग होते हैं वहाँ पे गर्मी हो ही जाती है, मैंने हाफ स्लीव पहना दी, और आज ही देखो मौसम ख़राब हो गया। एक बार धूप निकल गई थी वो गए थे उस टाइम पे, अब दोबारा से वैसा ही हो गया। अब मेरे को ये टेंशन खा रही है कि कहीं उनको सर्दी ना लगे, अब दिमाग में ये बात बार 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 घूम रही है कहीं बीमार ना हो जाए। और आज मेरे को ये इयर रिंग्स चेंज करनी है कल, क्योंकि कमेंट आया था कि दीदी आप ये इयर रिंग चेंज कर लो अच्छे नहीं लगते, तो मेरे को भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मेरे कान है ना कट गए ना इसलिए मैंने पहन ली थी। अब की बार मैं जाऊँगी ना मम्मी के पास तो चेंज करवा के लाऊँगी, मेरी मम्मी ने ही दी थी, तो ये सोनार के पास जाके उनको दे के दूसरी लेके आऊँगी। ये हैवी भी बहुत है, ये बनी थी 2020 में 19,000 की, अब मेरे को नहीं पता ये क्या रेट हो रखा होगा सोने का, हैवी काफ़ी है। अब इनको रिटर्न करके इनकी जगह पे हल्के ले लूँगी ताकि मैं उसको डेली वेयर में पहन पाऊँ, नहीं तो ये कान पूरे कट गए, एक बार मैं सिलवा भी चुकी, अब दोबारा से सिलवाने पड़ेंगे, देखो कितने कट गए, मुझे बड़ा गंदे लगते हैं अभी ये। वो वाले दूसरे इयर रिंग है ना उनमें तो दिखते नहीं है, इनमें साफ दिख पता चलता है, तो करूँगी इनका इलाज। पर आज पता है सिर भारी हो रखा है सुबह से ही, कई बार हम लेट हो जाते हैं और जल्दबाजी में जब उठते हैं ना तो सिर भारी हो जाता है, उठते के साथ में ही वही हो गया, मेरे सिर में दर्द हो रहा है क्योंकि आज मैं लेट उठी तो फिर अचानक से हाबड़ ताबड़, वो बचती है ना जल्दबाजी, उसके चक्कर में बच्चे स्कूल जाने थे और फिर सिर दर्द होना शुरू हो गया। तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड कर देती हूँ, मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ में, बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, इस चैनल पर पहली बार आए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, मैं कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। अब आप मेरे को ब्लेम नहीं कर सकते, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, चाहे मतलब सुबह के टाइम नहीं तो फिर नाइट के टाइम, तो सोते टाइम मैं हर एक कमेंट रिप्लाई करती हूँ। कल भी रात को मैंने जितने भी दोनों चैनल पे कमेंट थे ना सबका रिप्लाई किया, उसके बाद में मैं सोई थी, बहुत लेट हो गया था, लेकिन मैंने सोचा सबके कमेंट्स का रिप्लाई करना चाहिए क्योंकि सब लोग बड़े प्यार से कमेंट करते हैं, तो मैंने सबके कमेंट का रिप्लाई किया। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर करना, जो भी आपके क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी आपको पूछना हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बाय।